सब्सक्राइब कीजिए माय हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी फोल्डर में किसी का भी फोटो लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। आपको अपना पेंट ओपन कर लेना है, तो आप रन में जाके सर्च कर लीजिएगा पेंट लिखकर। मैं यहाँ पेंट लिख के सर्च कर लेता हूँ। बहुत ही आसान है फ़ोटो लगाना फोल्डर में। ये देखिए मेरा पेंट ओपन हो गया है। आप यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए जिस फ़ोटो को आपको फोल्डर में लगाना है। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो को ओपन करता हूँ। जिस फ़ोटो को लगाना है उसे आप ओपन कर लीजिए। चलिए मेरे पास एक फ़ोटो है, तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसे थोड़ा सा यहाँ से जूम इसका कम कर देता हूँ। इस फ़ोटो को मैं लगाना चाहता हूँ। अब आपको इस फ़ोटो को सिर्फ सेव कर लेना है, कुछ इसमें ज़्यादा सेटिंग नहीं करना है, सिर्फ सेव कर लेना। और सेव करते इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, वो देख लीजिए। सेव एज पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद आपको नीचे में जाना है, ये जो JPEG लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके इसको 24 बिट में कर देना है बिट मैप में। करने के बाद ऊपर में जो इसका नाम है, इसका नाम को आप बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे बदल देता हूँ। और उसके बाद डॉट आपको लगाना है और ICO लिखना है। नाम कुछ भी इधर लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डॉट ICO लिखना। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं मैंने सन्नी लिखा है। डॉट ICO लिखना ज़रूरी है। और नीचे में 24 बिट मैप, और उसके बाद आपको इसे सेव कर लेना है। तो मैं फ़िलहाल इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ये मेरा फाइल सेव हो चुका है। अब जिस फोल्डर में लगाना है उसमें आसानी से इसे लगा सकते हैं। देखिए इस फाइल को मैंने अभी सेव किया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक फोल्डर में लगा के आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं एक यहाँ नया फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ कुछ लिख देता हूँ, इमेज लिख देता हूँ। अब इस पर क्या करना है, इस फोल्डर पे आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं कस्टमाइज लिखा हुआ है, आपको कस्टमाइज में चले जाना है। और जाने के बाद यहाँ नीचे में चेंज आइकन, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद ब्राउज में जाना है। ब्राउज में जाने के बाद आपको उस फ़ोटो को सिलेक्ट करना है जिसे आपने अभी पेंट में कुछ एडिट किया था, तो इस पर क्लिक कर दिया। और इसे यहाँ से आपको बस ओपन कर लेना है, फिर ओके एंड देन अप्लाई, और उसके बाद ओके। देख सकते हैं फ़ोटो यहाँ पे आके लग गया है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा आइडिया जिसके द्वारा आप अपने फोल्डर में आसानी से किसी का भी फ़ोटो लगा सकते हैं। अपना फ़ोटो लगाइए, बॉलीवुड का फ़ोटो लगाइए, किसी का भी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और आपके पास कोई सुझाव या शिकायत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं अपने सर्विस को और भी बेहतर बना सकूं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नए नए आइडिया, नए नए टिप्स कंप्यूटर मोबाइल से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।